हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आज का आपका दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। अगर आपने हमारे दिए गए गाइडेंस को फॉलो किया है तो आज का आपका दिन प्रॉफिटेबल था, ये मुझे पता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट में। उसके पहले अगर आपको ये लेवल्स पसंद आ रहे हैं, आप इससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि जब भी हमारा कोई भी एक वीडियो आए तो आप तक वो तुरंत पहुँच सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज देखते हैं मार्केट में क्या हुआ और कल के लिए हम क्या प्लान ऑफ एक्शन लेके चले गए मार्केट में। तो जैसे ही मैं निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ, निफ्टी में हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई थी, ना ही बैंक निफ्टी में हुई थी, ना ही फिर निफ्टी में हुई थी। क्यों? क्योंकि मार्केट, मैंने आपको बोला था अगर गैप अप खुलेगा तो हमें एंट्री नहीं लेनी है। गैप अप खुला, हमारी एंट्री के ऊपर खुला, तो हमें एंट्री किसी में भी नहीं मिली। और मैंने आपको एक टेलीग्राम पे ये चैनल फॉर्मेशन दिखाया था, जिस चैनल का ब्रेकडाउन आने के बाद ही मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया था। अगर आपने ये कैप्चर मूव नहीं किया, ठीक है, अगर आप टेलीग्राम पर एक्टिवली हमें देख नहीं रहे थे तो ठीक है, आपका निफ्टी में ये मूव मिस हो गया। निफ्टी में हमारी फिर कोई एंट्री ट्रिगर नहीं हुई थी, जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन था कल के लिए उसके रिगार्डिंग। पर जब भी हम आते हैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में हमारी गैप अप ओपन हुआ, हमारी कोई एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, नीचे आया मार्केट, गिरते गिरते हमारी एक एंट्री ट्रिगर हुई और एक एंट्री से हमें टारगेट 1 दे के वहीं पे मार्केट ने क्लोज दे दिया। तो आप ये लेवल का इंपॉर्टेंस भी समझिए, यहीं से हमें अच्छा मोमेंटम मिला, 2 कैंडल में ही हमारा टारगेट अचीव हो गया। देखते हैं फिर निफ्टी में क्या हुआ। फिर निफ्टी में हमारे 3 टारगेट्स में से 2 टारगेट अचीव हो गए हैं। ऊपर एंट्री नहीं मिली थी, क्यों? क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ही ओपन हुआ था और कहीं ना कहीं वो हमारे दिए गए टारगेट्स और एंट्री पे ही घूम रहा था। अगर आप देखोगे यहाँ पे से उसने सपोर्ट दिया, यहाँ से रेजिस्टेंस, ये ब्रेकडाउन आया, यहाँ पे सपोर्ट, यहीं ये रेंज के अंदर रेजिस्टेंस लेके यहीं पे घूम रहा था और ब्रेकडाउन आया और वो कंटिन्यू हुआ हमारे एंट्री के साथ, 2 टारगेट्स हमें दे दिए। तो इन लेवल्स का आप इंपॉर्टेंस यहाँ से देख सकते हैं, क्या कैसा क्यों इंपॉर्टेंस है इन लेवल्स का। चलिए अभी एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए, कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो मेरी एंट्री निफ्टी में तो सेम ही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट ने वही रेंज के अंदर वापस हमें क्लोज दिया, तो मेरे वो लेवल्स तो सेम ही रहेंगे, राइट? तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, यही है हमारे लेवल्स। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है लेवल्स एग्जैक्टली। चलिए तो मेरी एंट्री होगी ओनली बिलो द लेवल, अबव द ऊपर अपसाइड में मेरी एंट्री होगी, अबव द लेवल ऑफ 19,380। उसके पहले मैं एंटर नहीं करूँगा विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, मुझे वो एंट्री चाहिए। मेरा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 19,430 का, मेरा सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 19,482 का, और मेरा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 19,533 का। नीचे के साइड में मेरी एंट्री होगी विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, उसके पहले मैं एंटर नहीं करूँगा। मेरा एंट्री लेवल होगा 19,284 का, मेरा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 19,229 का, मेरा सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 19,170 का, और मेरा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 19,108 का। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के लिए और क्या होगा हमारा प्लान ऑफ एक्शन बैंक निफ्टी में। चलिए तो बैंक निफ्टी में अभी मेरी एंट्री होगी, ये लेवल हम हटा देते हैं। अभी बैंक निफ्टी में मेरी डाउन साइड में एंट्री तभी होगी जब भी मुझे ये लेवल का ब्रेकडाउन मिलेगा, जो है 19,151 का लेवल, उसके नीचे मैं एंटर करूँगा। मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा ये, जो है 44,016 का लेवल। मेरा सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा ये, नहीं वो जो है 43,911 का, और मेरा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा ये, ठीक है। कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, यही हमारे टारगेट्स हो गए। 43,774 का मेरा तीसरा टारगेट होगा। अपसाइड में मैं एंट्री कभी करूँगा, अपसाइड में मैं सर एंट्री तभी ही करूँगा जब ये सेलिंग जैसे स्टार्ट हुई वो रिकवर कर ले मार्केट, जब एक्टिव फ्रेश सेलर्स जो आए हैं वो लोग निकल जाए और नए फ्रेश बायर्स आएंगे तभी मैं एंटर करूँगा। तो मैं एंटर करूँगा अबाउट द लेवल ऑफ 44,616, उसके पहले मुझे एंट्री नहीं लेनी है। तो वहाँ पे अपसाइड में मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा ये, जो है 44,779 का,
मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा ये 44921 का, और मेरा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल जो है 45096 का। ये मेरे तीन टारगेट्स हो गए फॉर अपसाइड, मैंने आपको एंट्री बता दी है, ये मेरे दोनों एंट्री पॉइंट्स हैं। चलिए देखते हैं कौन सा लेवल चाहिए। तो अपसाइड में मेरी एंट्री होगी अबाउ द लेवल ऑफ 44,616 विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, उसके पहले मैं एंटर नहीं करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 44,779 का, मेरा सेकेंड टारगेट जो होगा वो होगा 44,921 का, और मेरा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 45,096 का। डाउन साइड में विद प्रॉपर प्राइस एक्शन में एंटर करूँगा, उसके पहले मैं एंटर नहीं करूँगा। मेरी एंट्री होगी बिलो द लेवल ऑफ 44,151। मेरा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 44,016 का, मेरा सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 43,911 का, मेरा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 43,774 का। आउटसाइड में हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेकर चलेंगे मैं आपको बता देता हूँ, 44,200 का हम पुट लेकर चलेंगे फॉर डाउन साइड। ऑलराइट, अपसाइड के लिए हम 44,600 का कॉल लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं फिर निफ्टी में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर निफ्टी में आज हमारे अच्छे से दो टारगेट अचीव हो गए मार्केट में। अभी देखते हैं कल के लिए हम क्या लेवल्स रख सकते हैं। तो कल के लिए मेरी एंट्री होगी बिलो दिस लेवल जो है 19,625 का लेवल। अप साइड में मेरी एंट्री होगी ये लेवल के ऊपर जो है 19,799 के ऊपर। मेरा पहला टारगेट अपसाइड में जो होगा वो होगा 843 का, मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 893 का, और मेरा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल जो है 933 का। ये मेरे तीन लेवल्स हो जाएंगे टारगेट्स भी। चलिए डाउन साइड में देखते हैं। डाउन साइड में मेरी एंट्री होगी बिलो द लेवल ऑफ 625 के नीचे मैं एंटर करूँगा। मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा ये जो है 595 का, इसको हम थोड़ा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे जो है 582 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। मेरा सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल जो है 546 का, और मेरा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल जो है 512 का। ये मेरे तीन टारगेट्स हो गए फॉर डाउन साइड इनफिन निफ्टी। चलिए देखते हैं क्या प्लान ऑफ एक्शन है हमारा इनफिन निफ्टी। अपसाइड में मेरी एंट्री होगी विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, उसके पहले मैं एंटर नहीं करूंगा। मेरी एंट्री होगी अबाउट द लेवल ऑफ 19,799। फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 19,843 का, सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 19,893 का, थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 19,933 का। डाउन साइड में मैं एंटर करूंगा विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, उसके पहले मैं एंटर नहीं करूंगा। बिलो द लेवल ऑफ 19,625 मेरा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 19,582 का, सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 19,546 का, थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 19,512 का। स्ट्राइक प्राइसेस अभी हम डिसाइड कर लेते हैं हम कौन से स्ट्राइक प्राइस पे एंटर करेंगे। हम 19 डाउन साइड में अगर हम एंट्री मिलती है तो हम 19,600 का पुट लेकर चलेंगे मार्केट्स में। ऑलराइट, और अपसाइड में अगर मुझे एंट्री मिलती है तो अपसाइड में मैं एंटर करूंगा 19,800 का कॉल लेकर। ऑलराइट, तो ये है हमारा प्लान ऑफ एक्शन और स्ट्राइक प्राइसेस फॉर टुमारो फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। देखते हैं मार्केट में ये लेवल्स कल वर्क करते हैं कि नहीं करता, हमारा प्लान ऑफ एक्शन वर्क करता है कि नहीं करता, अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं किया, ये हम डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। और कल हम एक प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे फ्राइडे के लिए, कल हमारी एक्सपायरी है, तो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप एकदम सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि एक्सपायरी मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स को जीरो होना है। तो आप अपना कैपिटल वैसे ही डालिएगा जैसे आप जितना रिस्क बेयर कर पाओ। ऑलराइट, तो मिलता है अभी कल की वीडियो में, देखें कि ये प्लान ऑफ एक्शन वर्क करता है कि नहीं करता है, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये हम डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में और बनाएंगे एक प्लान ऑफ एक्शन फॉर फ्राइडे। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।